दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज 17 अप्रैल 2019 बुधवार की एक बार फिर से हम आपके लिए 10 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया की वैकेंसीज है, मेल या फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या इन भर्तियों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इनकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब तक अप्लाई कर सकते हो। स्टेप वाइज पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग 10 ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है। फर्स्ट नंबर की जो जॉब निकली है वो निकली है विल डाइप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में। पोस्ट है इसमें प्रोजेक्ट फेलो, प्रोजेक्ट असिस्टेंट और कम्युनिटी ऑफिसर की। वहीं बात नंबर ऑफ वैकेंसीज की जाए तो 25 यहाँ पर खाली पद है। प्रोजेक्ट फेलो पोस्ट के लिए 32,000 रुपये सैलरी पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 20,000 और कम्युनिटी ऑफिसर के लिए भी 32,000 रुपये सैलरी पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। प्रोजेक्ट फेलो पोस्ट के लिए मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं और प्रोजेक्ट असिस्टेंट और कम्युनिटी ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फेलो पोस्ट के लिए 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। कम्युनिटी ऑफिसर के लिए भी 35 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। आयु की गणना 30 जून 2018 से की जाएगी। देहरादून उत्तराखंड जॉब लोकेशन है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी के लिए 100 रुपये है जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। WII.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 30 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत। लोक सेवा आयोग ने नया नोटिस फिर से जारी किया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर और जूनियर एनालिस्ट पोस्ट के लिए 49 खाली पद है। ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए 37,700 से 119,500 लेवल 20 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जूनियर एनालिस्ट के लिए 36,400 से 115,400 लेवल 16 के अंतर्गत सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। डिग्री फार्मेसी में बी फार्मा या एमएससी अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। एससी एसटी जो यहाँ पर कैटेगरी दी गई है इनके लिए यहाँ पर कोई भी आयु सीमा नहीं रखी गई है और जो इनसे अलग पोस्ट है उनके लिए 30 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। जो इनसे अलग कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम आयु सीमा यहाँ पर 30 वर्ष दी गई है। जॉब लोकेशन तमिलनाडु है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। वहीं बात आवेदन शुल्क की जाए तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपको ऑल कैंडिडेट्स को 150 रुपये जमा करनी होगी अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। और एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो जूनियर एनालिस्ट पोस्ट के लिए 150 रुपये है। ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए 200 रुपये है जो कि आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर आप ऑफलाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक की किसी ब्रांच से जमा करा सकते हो। वहीं बात सिलेक्शन की जाए तो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका चयन किया जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। TNPSCExams.net ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो जो कि 12 अप्रैल 2019 से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 12 मई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 14 मई 2019 है। एग्जाम हेल्ड होगा 23 जून 2019 को। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत निकली है। जूनियर इंजीनियर की भर्ती है। वेरियस वैकेंसीज है, सीलिए आप नोटिस से चेक कर सकते हो। वहीं बात योग्यता की जाए तो मैट्रिक या सीनियर सेकंड यानी के +2, साथ में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 18 से 32 वर्ष है। आयु की गणना 10 मई 2019 से की जाएगी। जॉब लोकेशन ईटानगर अरुणाचल प्रदेश है। इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क आपको 150 रुपये ऑनलाइन जमा करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, वाइवा वोस या इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। APPSC.gov.in या फिर APPSC.online.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 10 मई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत ही निकली है। सीनियर सर्जन
प्रोग्रामर ऑफिसर और प्लानिंग ऑफिसर के लिए यहाँ पर 32 पद खाली है। सेली सीनियर सर्जन के लिए 15,600 से 39,100 है, जो बाकी की पोस्ट है उनके लिए 9,300 से 34,800 है। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी और एमबीबीएस अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम आयु सीमा 45 वर्ष है। गोवा जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से इसमें आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। gpsc.gova.gov.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 26 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उच्च न्यायालय के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने नया नोटिस फिर से जारी किया है। जुडिशियल सर्विस ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट है, वेरियस वैकेंसीज है। सैलरी 51,550 से 63,070 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री लॉ में होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु सीमा 35 से 45 वर्ष है। आयु की गणना 16 मई 2019 से की जाएगी। मणिपुर जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,700 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी/एसटी पीसी के लिए 1,200 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। scm.imphal.nic.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 25 अप्रैल 2019 से। लास्ट डेट की वही बात की जाए तो 16 मई 2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो आप 7 जून 2019 से। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। आईआईटी में भर्ती निकली है, पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की। वैरियस पद है, सैलरी 40,000 से 56,000 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। बीबीटेक और एमटेक अप्लाई कर सकते हैं। आयु की जानकारी भी आप नोटिस से ही चेक कर सकते हो। बॉम्बे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क आपको इस भर्ती के लिए भी जमा नहीं करना होगा और ना ही कोई एग्जाम देना होगा। इंटरव्यू के माध्यम से सीधा चयन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। iitb.ac.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 17 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंटरव्यू की डेट अभी घोषित नहीं की गई है। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में। पोस्ट है प्रिंसिपल की। नंबर ऑफ वैकेंसीज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मैन के लिए 172 पद खाली है और वोमेन के लिए 36 है, और ग्रेजुएट कॉलेज मेल के लिए 64 और फीमेल के लिए 18 पद है। तो टोटल 290 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है इस भर्ती के अंतर्गत। सील या पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। योग्यता की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए 7 में 55% अंकों के, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम आयु सीमा 62 वर्ष है। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। एससी/एसटी को 5 साल की छूट दी गई है। ओबीसी को यहाँ पर 3 साल की आयु में छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। जनरल या ओबीसी के लिए 3,000 रुपये आवेदन शुल्क है, एससी/एसटी के लिए 2,000 रुपये है। शुल्क जमा करने का प्रोसीजर भी आप नोटिस से ही रीड कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। UPHESC.org या फिर UPHESC.online.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप 25 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड में। अप्रेंटिस के यहाँ पर भर्ती है, 195 खाली पद है। सैलरी की वही बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 रुपये पर माह के लिए सैलरी है। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 7,100 पर माह के लिए सैलरी है। योग्यता की बात की जाए तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो। कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आयु की जानकारी आप नोटिस से चेक कर सकते हो। मैंगलोर कर्नाटक का जॉब लोकेशन है, इंडिया में आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। प्लस आवेदन शुल्क भी आपको जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट के माध्यम से, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। mrpl.co.in ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, इसी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 18 अप्रैल 2019 सुबह 10 बजे से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 17 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में। पोस्ट है इसमें इंजीनियर ट्रेनी और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की। 145 पद खाली है। सैलरी की बात की जाए तो ट्रेनिंग के दौरान 50,000 से 1,60,000 है, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 60,000 से 1,80,000 पर माह के लिए सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। बीबीटेक बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होल्डर अप्लाई कर सकते हैं।
वहीं बात आयु की जाए तो इंजीनियर ट्रेनी के लिए यहाँ पर 27 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है और इंजीनियर ट्रेनी जो पीजी डिग्री है उनके लिए 29 वर्ष आयु सीमा है। एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लिए 29 वर्ष मैक्सिमम आयु सीमा है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और ईएक्स सर्विसमैन के लिए 300 रुपये है, जो कि आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो bhel.com या फिर careers.bhel.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसी से आप डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि 16 अप्रैल यानी कि कल से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 6 मई 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फीस पेमेंट की ऑनलाइन तरीके से लास्ट डेट 8 मई 2019 है। वहीं बात एग्जाम डेट की जाए तो 25 और 26 मई 2019 है। उसके बाद दोस्तों जो 10th और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है केरला पब्लिक सर्विस कमीशन में। पोस्ट है इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क, पुलिस कांस्टेबल, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, डेंटल हाइजीनिस्ट ग्रेड सेकंड, जूनियर इंस्ट्रक्टर, लेक्चरर, साइंटिफिक असिस्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, सेल्समैन और स्टेनोग्राफर की 100 यहाँ पर खाली पद है। सैलरी 4000 से 6090 कुछ पोस्ट के लिए और कुछ पोस्ट के लिए 36600 से 79200 पर माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 47 वर्ष है। केरला जॉब लोकेशन है इंडिया में। आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हो। आवेदन शुल्क की जानकारी आप पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट या ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो keralapsc.gov.in, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है। इसी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 15 मई 2019 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको बिन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप इनसे इनकी नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जिस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा उसी के नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा और जिस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा। आप सिंपली इसे इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं।